हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में आप इंक्रीज कर सकते हैं जियो की स्पीड। तो देखते रहिए हमारा चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ फ़ोन्स में मैंने बताया भी है कि आप रूट मत कीजिए, वो मत कीजिए, लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा है भाई रूट करने से ऐसा है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तो आज मैं इस वीडियो को बताऊंगा कि इंक्रीज़ कर सकते हैं या नहीं, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और मैं इसी वीडियो के बाद बताने जा रहा हूं रूट के फ़ायदे और बेनिफिट्स क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पर। आज का टॉपिक है क्या सच में हम लोग जियो की इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये मेरा फ़ोन है लाइफ का, ये आप देख सकते होंगे, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है और मेरी स्पीड ठीक ठाक आती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है नहीं मेरी स्पीड सुबह से ही आती है शाम को, लेकिन शायद कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। पहले 4GB मिलता था, लेकिन अब 1 जनवरी से आपको सिर्फ 1GB मिलता है, और 1GB आपको मॉर्निंग में ही ख़त्म हो जाता है, मुझे पता है, क्योंकि उसको चेक करने के लिए आपको मैं बताता हूँ। आप सिंपली माई जियो ऐप को खोलिए और वहाँ पे सीधा आप साइन इन कर लीजिए। स्किप साइन इन करेंगे और आप ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाएंगे, और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने बैलेंस बचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और रही बात उसकी इंक्रीज़ की, तो मैं बताता हूँ आपको कुछ चीज़ें। उसे आप इंक्रीज़ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ ये स्पीड ठीक ठाक सही हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, APN में जाना है, सेटिंग में जाके, मोड में जाके आपको नेटवर्क चूज़ करना है, और उसमें APN आता है, उसमें जाके आपको मोबाइल नेटवर्क में जाके APN में न्यू APN बनाना है। और सबसे पहले उसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, उसमें बैरियर होता है, उस पर बैरियर को क्लिक करके LTE पे करना है, और उस पर कुछ भी आप नाम डाल सकते हैं, नेम APN ये सब कुछ भी डाल दीजिए आप, उससे फर्क नहीं पड़ता। और सर्वर में आप ध्यान रखिए www.google.com डालना है आपको, उसे इंक्रीज़ होने में थोड़ी मदद मिलती है, मैंने सुना है, पर मैंने अप्लाई भी किया है, ठीक ठाक आ जाती है। उसको सेव कर देना है, उसके बाद आना है आपको मोबाइल नेटवर्क में आना है, और मोबाइल नेटवर्क में आके आपको उसमें CDMA/ और ऐसे ऐसे GSM/LTE/ होता है, तो इन सब पे क्लिक करके आपको सबसे लास्ट में होगा LTE नेटवर्क, उस पर क्लिक कर देना है आपको, वहाँ पर भी LTE कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको फ़ोन रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट करने के बाद आपको अपना फ़ोन की स्पीड टेस्ट कर लीजिए, लेकिन हाँ काफ़ी बेहतर हो जाएगी आपकी पहले से। तो सिर्फ यही है, आपका इंक्रीज़ नहीं कर सकता मैं, बता सकता हूँ आपकी कोई भी वीडियो आप कोई भी देख लीजिए, अप्लाई कर लीजिए, आप कमेंट्स भी पढ़ लीजिए, कोई भी सारी वीडियो फेक है, कोई भी सही नहीं है। तो मैं ये वीडियो बताना चाहता था कि ऐसा कुछ नहीं, आप प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जहाँ से नेटवर्क स्पीड आएगी नेटवर्क से उतनी ही आपको मिलेगी। फ़ोन में तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि वहाँ से आप बढ़ा सके, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आप सर प्लीज़ अपने फ़ोन को रूट मत कीजिए, और ये सब IMEI नंबर चेंज मत कीजिए, इन सबसे आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल के नीचे रेड कलर का बटन है, यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी वीडियो को, ताकि मैं वीडियो अपलोड कर दूँ। और रिंग एक बेल टाइप का होगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए टिक करके, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आपको कैसी लगी। तब तक अपना ख्याल।